वेलकम टू जीके लैंड दोस्तों, हम आज देखने वाले हैं महात्मा बुद्ध का अष्टांगिक मार्ग। 6 मार्क का आंसर है। आप इसको एग्जैक्टली ऐसा लिखेंगे आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो महात्मा बुद्ध का अष्टांगिक मार्ग 3 भागों में बटा हुआ है, प्रज्ञा स्कंध, शील स्कंध और समाधि स्कंध। प्रज्ञा स्कंध 2 भागों में बटा हुआ है, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प। सम्यक दृष्टि का अर्थ होता है वस्तुओं को उसके वास्तविक स्वरूप में देखना। सम्यक संकल्प, भौतिक सुखों के प्रति आकर्षण का त्याग। जैसे मोबाइल फ़ोन से आपको आकर्षण है तो छोड़ दो, एग्जाम्पल के लिए। खैर, सेकंड है शील स्कंध। शील स्कंध में है हमारे पास 3, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक जीविका। सम्यक वाक होता है, वाक मतलब बोलना होता है, तो सदा सच बोलने वाला। सम्यक कर्मांत, सदा सत्य कर्म करना। सम्यक जीविका मतलब होता है सदाचार पूर्वक आजीविका अर्जित करना, मतलब पैसा कमाना। समाधि स्कंध हमारा 3रा हिस्सा, इसमें हमारा आता है सम्यक व्यायाम, नैतिक, मानसिक व आध्यात्मिक उन्नति के लिए सतत प्रयत्न करना। ऐसे आप नौकरी पाने के लिए सतत पढ़ते हैं वैसा। सम्यक स्मृति, मिथ्या धारणाओं का परित्याग व वास्तविक धारणाओं का स्मरण। सम्यक समाधि, मन की एकाग्रता। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।